अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर बशीर है। मैं कंसल्टेंट मेडिसिन और कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। मैं मेडिकेयर और मेडिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे दोबारा मुखातिब हो रहा हूँ और इस टाइम मेरा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दो जोड़ों की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिनके अंदर लोगों के जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें आपके छोटे जो जोड़ हैं हाथों के, उनके अंदर ज़्यादा मसाइल होते हैं। वक्त के साथ साथ अगर उसका इलाज ना किया जाए तो हाथों की उंगलियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं और जो है ना आप किसी चीज़ को भी होल्ड करना या ग्रिप करने के अंदर प्रॉब्लम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस एक टाइम के साथ जो है ना हड्डियाँ भुरभुरी होती हैं। हड्डियाँ भुरभुरी होने के साथ आपके हड्डियों के दरमियान का जो स्पेस है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियाँ बहुत करीब आ जाती हैं और सोजन हो जाती है घुटनों में खसूसन और मूवमेंट में मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब इन दोनों चीज़ों का इलाज मेडिसिन के साथ है, लेकिन सिर्फ इनका इलाज वाहिद मेडिसिन नहीं है। इनके इलाज में भी फिजियोथेरेपी का एक बहुत अहम रोल है। ख़ुसूसन जब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो बड़े घुटनों की उसमें मसाइल में लोगों को हो, वो एक हमेशा बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है लोगों को अगर वो सर्जरी की तरफ जाए, और वो ऑपरेशन हो सकता है यहाँ से ना हो, हमारे रेंज ना हो उस ऑपरेशन की तरफ जाने। तो हम लोगों की जो पेन है, जो लोगों की जो स्वेलिंग है, जो मोबिलिटी इश्यूज है, उसके लिए हम लोग अनफॉर्चुनेटली फिजियोथेरेपी का बहुत कम मशवरा देते हैं। जो डॉक्टर साहब हमारे हैं, इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। ख़ुसूसन इसमें जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हैं, जिनके साथ जो है ना आपके जॉइंट्स की भी एक्सरसाइज है, जॉइंट मसल्स की भी एक्सरसाइज है, तो वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से अगेन आप स्ट्रेंथ गेन करते हैं, जिससे जो जॉइंट का पेन है उसको भी कमी होता है और उसके अलावा वो जो आप जॉइंट का यूजेज है उसको भी मुनासिब कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि विद ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पेशली बैंडिंग करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें आप एक पोस्चरल वो भी उनसे पूछ सकते हैं कि पोस्चरल फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकता है कि आपने नीडों को बैंडिंग कैसे करनी है, ताकि वो मिनिमाइज करें और वेट को जो है ना नी के साथ से। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड रेफर पीपल विद ऑस्टियोआर्थराइटिस टू फिजियोथेरेपिस्ट, which is unfortunately because physiotherapy in our country is getting into like mainstream just now, so people usually do not consider it that they could be benefited from it. But with such diseases like osteoarthritis, with arthritis with the knee, arthritis with back pains, there is very significant role in terms of that if you can ask people to go for the exercise and then they can do the regaining step muscle exercises. So that can be very useful if like our orthopedic fellows and our rheumatologists, they can refer people, especially in rheumatoid arthritis, which is known as ghantia can also do it. Like people who have the problem with the hands and their movement in the hamstring, which is applied by physicians, and the exercise for hand strengthening, where they can overlap with different things, that can be very helpful in overall management of the patient. So when somebody comes to us, we should be focusing on overall management. And like later on in the progress, when the disease progress, like rheumatoid arthritis, people do not even they are not able to open up the button of their shirt. So that is also a problem with them. They can't go to the washroom to open up their bags or. So this is very problematic. So here, if like you send these people to exercise regimes where they can do some exercises to increase the bulk of muscle or strength of muscle, and they can learn like how to increase resistance with that is the exercise they can provide people. So that can be very helpful when it comes up later on in the progression or long run of the disease. So I will say that like without any doubt, there is very significant role of physiotherapy in all the above-mentioned diseases. And as I said in Medilink, I told our Medicare and Medilink both, we do have physiotherapy team up here, which is led by consultant physiotherapist Dr. Lubna. So if you would want to come up in here, they do have some machines and they can offer you some exercises with some good strategies. I would highly recommend that.